नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। मोहनी सागर दुआब नहर वाया तट से निकली नहर से तेल पोषण के ग्रामों किसानों की धान की फसल हजारों बीघा में गवोट आप पर आ गई है, लेकिन उक्त नहर से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पूरी धान की फसल सूखने की कगार पर है। इसलिए तत्काल उक्त नहर से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग को लेकर SDM अश्विनी कुमार रावत की गैर मौजूदगी में 2 दर्जन से अधिक किसानों ने SDM कार्यालय रीडर सौरभ पराशर को ज्ञापन दिया। दुआवट तटीय बाया तट से निकली नहर से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग करते हुए किसानों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि उक्त नहर परियोजना के अंतर्गत ग्राम केरुआ, कोहिंदा, सांखनी, मछरया, बासोड़ी सहित 1 दर्जन गाँव तेल पोषण में आते हैं। संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट। आपका दिनेश पाठक। कौन से गांव की? ग्राम गोयंदा। आप आज SDM साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए, किस संबंध में आए? ये हमारी धान की फसल सूख रही है, मोहनी सागर की बाया तट नहर में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए हम SDM साहब को ज्ञापन देने आए थे। आपने SDM साहब को ज्ञापन दिया कि और किसी को दिया है? आज SDM साहब नहीं थे, उनके बाबू को हमने ज्ञापन दिया है। अगर ज्ञापन देने के बावजूद भी अगर नहर में पानी नहीं आता तो क्या करोगे? हमने प्लान बनाया है कि 24 घंटे के बाद यदि नहर में पानी नहीं आया तो कल SDM कार्यालय के सामने आंदोलन शुरू करेंगे।